रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ और गुरु गोवल कर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो यागी हमारा जी काटने का 10 करोड़ का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। दिस इज नॉट अ प्रयोग, दिस इज अ वोट बैंक का प्रयोग, तुष्टिकरण का उद्योग। जगदानंद सिंह ने कमेंट्स अबाउट राम जन्मभूमि बीइंग नफरत की जमीन। इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूँ जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। चल मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। चलिए अब हो गया। हमको नहीं पता सर, बक्सर में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे सर? अरे सर, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के श्री रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद लोग इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रामचरितमानस को समाज बांटने वाला और नफरत फैलाने वाला किताब बताने पर लोगों में आक्रोश है। वहीं इस बीच शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से विवाद को आग देने का काम किया है। उन्होंने माफी की मांग के बीच एक और भड़काऊ बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि वो अपनी बात पर कायम है, माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने अन्याय किया है। जो इस देश में 95-90% 85% लोग हैं, तो आप समझ लिए आप करना क्या चाहते हैं, क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं। तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ और गुरु गोवल कर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो यागी हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं, जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो जल सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके आदर विचार। अब इसको लेकर वो गहरे विवाद में फंसते जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रामचरितमानस का अपमान करने वाले शिक्षा मंत्री को तुरंत ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने अपने बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है। दरअसल नीतीश सरकार में शामिल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की एक चौपाई का उल्लेख करते हुए ये कहा कि रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसी पर कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान दुर्भावना से ग्रसित है, आईपीसी की धारा 295A के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है, आईपीसी की धारा 295A के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्बल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस बयान को लेकर ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्म भूमि को नफरत की जमीन बताया था। ये संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का उद्योग है। हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट। सिमी और पीएफआई की पैरवी, हिंदू आस्था पर चोट। उन्होंने इसके साथ ही सवाल भी खड़े किए हैं कि इस पर क्या कार्रवाई आगे होगी। दिस इज नॉट अ सहयोग, दिस इज अ वोट बैंक का प्रयोग, तुष्टिकरण का उद्योग। जस्ट अ फ्यू डेज अगो आरजेडी लीडर द बिहार प्रेसिडेंट जगदानंद सिंह मेड कमेंट्स अबाउट राम जन्मभूमि बीइंग नफरत की जमीन। He made comments about Prabhu Shri Ram and Ram Mandir. And now we have Education Minister of Bihar from RJD making very controversial comments and saying Ramcharitmanas was a nafrat phailane wala granth, was a granth that was spreading hatred. This is not a coincidence. It is a conspiracy. It is a strategy. Abuse Hindu Astha for vote. Abusing Hindu Astha, insulting Hindu Astha is equal to secularism. Hindu Astha par karo chot. मिलेगा वोट बैंक का वोट एंड देयरफॉर द एंटायर इकोसिस्टम कीप्स अटैकिंग हिंदू आस्था। समबडी अटैक्स
saffron clothes, somebody says saffron terror, somebody says Hindutva is like ISIS Boko Haram, somebody questions existence of Lord Ram, somebody says Ram Mandir should be not built at all, they oppose Ram Janmabhoomi, Bhumi Pujan. This is the kind of mindset some people have. This is the same RJD that eulogizes PFI and SIMI, comes out in their defense and says action should not be taken against them. It bats for these terrorist groups. Their top leaders have batted for these terrorist groups. But in Ramcharitmanas and Ram Janmabhoomi, they can see nafrat. Will action be taken on these statements? राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई दिग्गजों ने भी इस बयान पर विरोध किया है। कवि कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर निशाना साधा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के मन को शांत करने के लिए उपाय भी बताए हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मन शांत हो। वहीं इस मामले पर संत समाज में भी भारी आक्रोश है। इस मामले में अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य ने भी प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ी मांग की। उन्होंने मंत्री के पद को बर्खास्त करने की भी मांग की। महंत ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, उससे पूरा देश आहत है। आगे कहा उन्होंने कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ जो काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे पूरा देश आहत है, यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। इस तरह की बयानबाजी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।